ट्रैक्टर रैली का मुख्य मकसद है कि असं मोदी को हरा सकीए, इस डिसिप्लिन रख के हमारे किसान कैसे अपनी अपने हक के लिए लड़ते हैं और अपने हक लेने के लिए क्या क्या कर रहे हैं, आप सबको पता ही है। वो प्रधानमंत्री ने किन्नी दुनिया सड़क से रोड रखी है, किन्नी दुनिया देख लो हैरान हो रही है। 2 महीने हो गए, पहले 4-5 महीने, 6-8 महीने हो गए इनके इंसान वास्ते। मौका दिता उन्होंने, जब सानू कानून अच्छे नहीं लगते सारे वापस कर दे, हमारे को अच्छे नहीं लगते, हमारे लिए बनाए हमारे को अच्छे नहीं लगते, वापस कर दे हमारे कानून। लाखों किसान अपने ट्रैक्टरों के साथ आज के दिन दिल्ली के बॉर्डरों पर हैं और किसानों में पूरा उत्साह है, किसानों में पूरा जोश है और किसान ये बात ठान चुका है कि वो आंदोलन जीत के ही अपने गांव में वापस जाएगा, अन्यथा वो दिल्ली के बॉर्डरों पर अपनी कुर्बानी दे देगा लेकिन पीछे नहीं हटेगा। गणतंत्र दिवस के पहली बार किसान अपनी परेड निकाल रहे हैं और वो किसान जो हैं 2 महीने से वहाँ सरकार को तीनों कानून जो बनाए हैं सरकार ने उनको रद्द कराने के लिए, MSP पर कानून बनाने के लिए वहाँ सरकार के सभी दिल्ली के बॉर्डरों पर डेरे डालकर बैठे हैं। इसकी महत्ता है कि देश की आज़ादी से बाद पहली बार ऐसा किसान करेंगे को अपने जो खुदकुशियाँ हुई हैं, जो तीनों कानून किसानों को कैसे जकड़ में ले रहे हैं, उनकी झाकियाँ किसानों के जीवन से संबंधित निकाली जाएंगी। दुनिया में ऐसा कोई देश नहीं मिलता जहां वो अपने गणतंत्र दिवस पर कोई ऐसे किसानों की परेड हो, परेड भी वो सरकार के खिलाफ भी है और किसानों में खुशी है कि हम अपनी देश के गणतंत्र दिवस पर निकाल रहे हैं। और दो ही चीज़ें मिलकर किसानों के मन में, जैसे ऐसा है गणतंत्र दिवस पर झाकी निकालते हैं, ऐसा मन में सरकार प्रति गुस्सा है, हौसले से हम उसको परेड को कामयाब करेंगे। पहली बार होया देश की आज़ादी के बाद। दक्षिण भारत में यही अरेंजमेंट है, यही प्लान है कि अपने अपने राज्य की राजधानी में बड़े ट्रैक्टर परेड चलने वाले हैं। कर्नाटका में कल बेंगलोर में भी एक परेड होगा, बेलगांव में भी एक परेड होगा। बेंगलोर के परेड में सिर्फ ट्रैक्टर नहीं, बहुत सारे बैलगाड़ी भी किसान निकाल रहे हैं। बेलगांव वाले प्लान में भी यही है, ऐसे ही हैदराबाद में और विजयवाड़ा में भी प्लान्स चल रहे हैं। झारखंड में ऐसे ही एक गवर्नर हाउस का घेराव हुआ था कल, तो अलग अलग राज्यों में पूरी तैयारियां चल रही है। जो लोग आज सत्ता में हैं वो सरकार बहुत ही निर्लज्ज और बेशर्मी के साथ व्यवहार कर रही है। देश के अन्नदाता 2 महीनों से दिल्ली के बॉर्डरों पर बैठे हैं, 150 से अधिक किसान शहीद हो चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद केंद्र में बैठी सरकार को कोई चिंता नहीं हो रही है। अब तक प्रधानमंत्री ने शहीद किसानों को श्रद्धांजलि देने के लिए कोई ट्वीट तक नहीं किया है, लेकिन दुनिया में कहीं छोटी मोटी घटना हो जाए उस पर भी वो तुरंत ट्वीट करते हैं। तो जो सरकार का जो रुख है किसानों के प्रति, ये बहुत निराशाजनक है। पानीपत तक लाइन लगी हुई है यहाँ सिंगू बॉर्डर में और बहुत लोग आ रहे हैं। हमारे मेडिकल टीम्स दिल्ली से भी अरेंज हो चुके हैं, ऐसे ही पंजाब से भी लगभग 40 एम्बुलेंसेस अलग अलग जगह पे थ्रू आउट द रूट रहेंगे। वो मेडिकल टीम्स की तैयारियाँ हुई हैं। दिल्ली के जनता जो है किसान परेड को वेलकम करने के लिए अलग अलग पॉइंट्स पे वेलकम कमिटीज़ वो भी खड़े होंगे और किसानों का स्वागत करेंगे। आखिरकार ये इस देश के अन्नदाता है जो सबको जिंदा रख रहे हैं, उनको अपना थैंक्स बोलने के लिए भी लोग खड़े रहेंगे। ये सब तैयारियां हो रहे हैं। इस सरकार की जो विश्वसनीयता है, जो क्रेडिबिलिटी है, वो बिल्कुल पूरे तरीके से ख़त्म हो चुकी है। किसानों के बीच में कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है, समाज के बीच में कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है और जो ये अविश्वास का माहौल बना है सरकार और किसानों के बीच में, इसके लिए कोई और नहीं बल्कि स्वयं मोदी सरकार ही जिम्मेदार है।